जाएंगे, आपका उद्देश्य अर्थहीन हो जाएगा, आप वापस पैसा खर्च करके आ जाएंगे, हैरान परेशान होंगे। तो जूते के ऊपर जूता रखना, जूतों को आड़े तिरछे रखना या जूतों को गलत दिशाओं में रखना, ये सब शनि को अपने दूषित करना है। जूतों को रखने का स्थान हमारे ज्योतिर्विज्ञान वास्तु शास्त्र में बतलाया कि पश्चिम दिशा में रखें। जूतों का मुख हमेशा पूर्व की ओर हो तो व्यक्ति हमेशा चेतन बना रहता है, उसकी यात्राएं भी कार्य सिद्धि करते हैं, हमेशा अपने उद्देश्य को वह पूर्ण करता है यात्राओं के अंदर। जी पंडित जी, किसी के पहने हुए जूतों को पहनना उससे क्या होता है? उसका भी वही प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के पहने हुए जूते पहनते हैं तो शनि दूषित हो जाता है। कभी किसी व्यक्ति के जूते नहीं पहनने चाहिए, शनि को चढ़ाना है अपने ऊपर, उसका शनि आपके ऊपर आएगा, आपको दूषित कर देगा, आपके नाभि से नीचे के अंगों को दूषित करेगा, पांव का रोग दे देगा या मेरुदंड का, आपको तंत्रिका तंत्र का कोई रोग दे देगा। अगर वो आपस में भाई बहन भी हैं तो उनके भी जूतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारे ज्योतिर्विज्ञान में ऐसा है। जी खाने के बाद थाली में हाथ धोने से कौन सा ग्रह प्रभावित होता है? अगर खाना खाने के पश्चात कोई व्यक्ति थाली में हाथ धो लेते हैं, बहुत से लोग उसको थूक भी देते हैं, तो गुरु दूषित हो जाता है। थाली के अंदर अन्नपूर्णा का वास बतलाया, जब तक बर्तन भरा हुआ है आप भोजन कर रहे हैं, गुरु का वास होता है अन्नपूर्णा का। खाली बर्तन में हाथ धोना गुरु को दूषित करना है, गुरु दूषित हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को भी देखें तो उनकी जो प्रथम पहली संतान या जो आखिरी संतान होती है वो दुर्भाग्य से पूर्ण होती है, उनका वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है या उनकी वंश वृद्धि रुक जाती है। अगर आपके कोई आस पड़ोस में ऐसे व्यक्ति हों या आपके रिलेशन में कोई ऐसे व्यक्ति हों तो वहाँ आपको यह लक्षण स्पष्ट दिखाई देगा और उसके आपको यह जो चिन्ह बोलते हैं ये भी आपके समझ में आएंगे। जी पंडित जी, क्या आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखना चाहिए? देखिए सूर्य और चंद्र ग्रहण देखना अशुभ, हमारे शास्त्रों में उसको अशुभ बतलाया है। अगर कोई व्यक्ति चंद्र ग्रहण देखता है तो उसका चंद्रमा दूषित हो जाता है, खासकर उन महिला और पुरुषों के लिए जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो या उनकी कुंडली या भाग्य का स्वामी हो, ऐसे व्यक्तियों का भी चंद्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। या ऐसे व्यक्ति जिनका लग्न का स्वामी सूर्य अर्थात सिंह लग्न हो, भाग्य का स्वामी सूर्य हो या सूर्य की महादशाएं चल रही हो, सूर्य उनका कारक ग्रह हो, तो उनको कभी सूर्य ग्रहण के दर्शन नहीं करने चाहिए क्योंकि वह दूषित हो जाता है। ऐसा यदि वो जाने या अनजाने में कर लेते हैं तो उसका निवारण भी हमारे शास्त्रों में बतलाया है। चंद्र ग्रहण अगर कोई व्यक्ति देखता है, चंद्रमा से दूषित है या उसके भाग्य का स्वामी है, तो ऐसे व्यक्ति को 400 ग्राम जौ दूध में भिगोएं और 4 सूखे खड़खड़ बजने वाले नारियल अपने ऊपर से उतार के जल प्रवाह कराएं। यदि सूर्य के दर्शन करता है कोई व्यक्ति, उसका कारक ग्रह है, तो वह पानी वाला नारियल और 400 ग्राम जो अपने ऊपर से उतार के उसका प्रभाव कराएं तो उनके दोषों का निराकरण होता है। जी पंडित जी, दरवाजे की तरफ पैर करके सोने से क्या होता है? देखिए दरवाजे की ओर पैर करके सोना हमारे शास्त्रों में उसको बड़ा अशुभ बतलाया है। शनि और मंगल दो ग्रह दूषित हो जाते हैं, व्यक्ति को रोग की उत्पत्ति करते हैं। कभी कभी अगर वो निरंतर ऐसा सो तो अकाल मृत्यु तक ये कर देते हैं, उसके जीवन के लिए घातक होते हैं। किसी भी व्यक्ति को मुख्य द्वार की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। ध्यान रखें सबसे अच्छा जो सोना होता है दक्षिण दिशा में सिर रखें उत्तर की ओर पैर, या पश्चिम में सिर हो पूर्व की तरफ, या नेतृत्व में उसका सिर हो ईशान की ओर पैर हो। दरवाजे की तरफ पैर करके सोना रोगों को निमंत्रित देना है, निमंत्रण देना है, अपने शरीर को खराब करना होता है। जी पंडित जी, तो क्या असर दरवाजे की तरफ किया जा सकता है? जी दरवाजे की तरफ सर किया जा सकता है सोते वक्त? कर लेना चाहिए, पर दरवाजे की ओर ना सिर हो ना पैर हो। जी चलिए, इस वक्त हमारे साथ नोएडा से एक दर्शक जुड़ गए हैं अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल कार्यक्रम में। जी पंडित जी से मैं पूछना चाहता हूँ जी कि मेरी आदत है उंगलियां चटकाने की, जी तो इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? जी उंगलियों को चटकाना बड़ा खराब होता है, इससे मंगल और बुध दोनों ही दूषित हो जाते हैं। मंगल यदि किसी व्यक्ति का अकारक है, मंगल कर्क राशि में नीच का है या वो व्यक्ति मांगलिक है, तो उसकी
मांगलिक दोषों में और प्रबलता आ जाएगी, वो अपने नेष्ट फल देगा। यदि मंगल की महादशाएं चल रही हों तो उसमें वो दुष्प्रभाव देता है, मंगल से जनित रोगों की उत्पत्ति करता है, माइग्रेन भी कर सकता है और रक्त को दूषित करता है, तो बहुत खराब लक्षण होता है जी। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, शौचालय में पेपर पढ़ना या पुस्तक पढ़ना, इसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं? जी, शौचालय के अंदर पुस्तक पढ़ना या बहुत सारे लोग आदत होती है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उससे गुरु दूषित होता है। पुस्तक पेपर ये सब विद्या के कारक हैं, इनका स्वामी कारक गुरु। तो शौचालय के अंदर यदि हम कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है पेपर पढ़ता है तो गुरु खराब हो जाता है। यदि उस व्यक्ति का गुरु उचका भी बैठता है तो निस्तेज हो जाता है, गुरु अपने उच्च फल को कभी नहीं देगा, अधम फल देगा, तो ऐसे व्यक्ति बड़े हैरान परेशान रहते हैं। दूसरा, गुरु क्या करता है, उनकी वंश वृद्धि को रोक देता है, या तो व्यक्तियों का विवाह नहीं होगा, विवाह होगा तो बहुत विलंब से होगा, और विवाह होता भी है तो उनकी संतान में बहुत बाधाएं आती हैं, संतान उनकी राजी खुशी से संतान नहीं होती है जी। पंडित जी, अकारण बोलना या चुगलखोरी करना, इससे कौन सा ग्रह प्रभावित होता है? अकारण बोलना या चुगलखोरी करना अपने बुध को खराब करना। यदि किसी व्यक्ति का बुध उनकी लगन कुंडली में उच्च का भी बैठा हुआ है मिथुन या कन्या राशि में, तो वह भी दूषित फल देने लगता है। यदि बुध मीन राशि में हो, नीच का बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति समाज में हमेशा विवादित रहते हैं, उनके ऊपर लांछन लगते रहते हैं उनकी वाणी के कारण, और हमेशा वो एक झंझट में पड़े रहते हैं। तो गुरु ये बुध का खराब होना, अकारण बातें करना या किसी के ऊपर क्या बोलते हैं चुगलखोरी करना, तो ये अपने बुध को खराब करना। जंग लगा लोहे का सामान घर में रखने से पंडित क्या होता है? जी, जंग लगा अगर लोहे का सामान रखेंगे तो मंगल और राहु दूषित हो जाते हैं जी। तो राहु क्या करता है, यदि उस व्यक्ति की राहु की दशा चल रही हो तो और ज्यादा वो दूषित होंगे। राहु अचानक कुछ भी घटनाक्रम कर सकता है, मंगल का दूषित कर सकता है, और ऐसे व्यक्तियों की दुर्घटना होती है, चोट लगती है, अकारण धन का क्षय भी करता है, तो मंगल और राहु दोनों ही उससे दूषित हो जाते हैं जी। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे तमाम दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। नमस्कार। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? योमिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योमिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो चॉकलेट केसर बादाम और रोज फ्लेवर्स में। तारीख 10 जनवरी, समाचार प्लस ने उठाया सवाल, इससे बड़ा शर्म का मौका और क्या हो सकता है यूपी सरकार के लिए? तो हमको तो यहाँ नहीं बात पता लगा, मुझे इसका ज्ञान नहीं होगा तो बात करके बताऊँ। शहीद की चिता पर नहीं गए, अरे आप लोग जाते और उस गर्म राख को माथे पर लगाते तो शिरडी साई की भभूत हो जाती। शर्म है, शर्म है, शर्म है। समाचार प्लस ने छेड़ी मुहिम, पारसनाथ यादव आज मथुरा क्यों नहीं गए, अखिलेश यादव आज मथुरा क्यों नहीं गए, शिवपाल सिंह यादव आज मथुरा क्यों नहीं गए, मुलायम सिंह जी आज मथुरा क्यों नहीं गए? तारीख 12 जनवरी, समाचार प्लस की खबर का हुआ असर।
समाचार प्लस की खबर का संज्ञान लेते हुए माननीय मुलायम सिंह जी ने फैसला किया है कि वो खुद मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे नेता शहीद हेमराज सिंह के जो गांव है शेरनगर वहां पर जाएंगे। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस घर में पहुंचेंगे। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप सोच रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@samachar plus.com पर, या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। राम और कृष्ण की धरती देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को, ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान, हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप, मैं हुरीना खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुलायम के ज्योतिषी की हत्या करने वाला शूटर जौनपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर, 50,000 रूपये का इनामी था शेरू नाम का बदमाश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम आश्रय कुशवाहा को मिला बड़ा तोहफा, अखिलेश ने बनाया कैबिनेट मंत्री, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मिला प्रभार। नितिन गडकरी को आयकर विभाग का नोटिस, पूर्ति ग्रुप की जांच के सिलसिले में भेजा गया नोटिस, 21 जनवरी को पेश होने की तारीख तय। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की चुनावी तैयारी, कार्यकर्ताओं से की लोकसभा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील, सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बसपा सरकार पर भड़के मुलायम। मथुरा में शहीद हेमराज के सिर की मांग के लिए ग्रामीणों और परिजनों का अनशन खत्म है, टीएमसी नेता की कोशिशों से खत्म हुआ अनशन, हेमराज की मां और पत्नी ने अब तक नहीं खाया आने का एक भी दाना। यूपी में ठंड ने ली 200 से ज्यादा लोगों की जान, लेकिन सरकार की नजर में ठंड से नहीं गई एक भी जान, सुप्रीम कोर्ट के डंडे से बचने के लिए बताई जा रही है अलग अलग वजह, मुआवजे से पीड़ित परिवार महरूम। दस्यु सुंदरी रेणु यादव फिल्मकार कृष्णा मिश्रा दर्ज कराए के खिलाफ दर्ज कराएंगे 5 करोड़ का मुकदमा, बिना पूछे उनके आप बीती बिहड़ पर फिल्म बनाने से नाराज, जनवरी के आखिरी हफ्ते में रिलीज होनी है फिल्म। मथुरा में प्रेमी युगल की मौत की गुत्थी सुलझी, पिता और भाई ने दिया था वारदात को अंजाम, झूठी शान के लिए 4 लोगों ने की थी हत्या। कुंभ में भू समाधि के लिए संतों ने मांगी जमीन, प्रदूषण रोकने के लिए गंगा में जल समाधि नहीं लेंगे साधु, जल्द अव्यवस्था दूर न करने पर जगतगुरु ने दी आत्मदाह की धमकी। और बिग बॉस सीजन 6 में उर्वशी ढोलकिया का कब्जा, नजदीकी प्रतियोगी इमाम सिद्दीकी को हराकर शो की विजेता का जीता खिताब, उर्वशी को विजेता के रूप में 50,000 रूपये मिले।
बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राम आसरे कुशवाहा को मिला है बड़ा तोहफा, अखिलेश ने कुशवाहा को कैबिनेट मंत्री बनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राम आसरे कुशवाहा को बड़ा तोहफा मिला है, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया है। और खुद राम आसरे कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। कुशवाहा जी, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको मिला है, सबसे पहले बधाई समाचार प्लस की तरफ से।